Hello students, how are you? Now today we starting the exercise 3.4. Okay, previous lecture के अंदर हमने इसके बहुत सारे theorems जो मैंने यहाँ पे लिखे statement result के form में वो सारे prove कर चुके हैं, right? Okay, एक video के अंदर एक problem आ गया था, इसलिए हम लोग उसको दोबारा record करके आपको भेज रहे हैं, right? चलो देखते हैं. So the exercise 3.4 basic concepts आपके सामने हैं. For example, sin theta is equal to 0 when theta is equal to n pi. मतलब sin हर एक n pi पे क्या है? 0 है, right? Plus n belongs to z. ठीक वैसे cos theta is equal to 0 when theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, right? And n belongs to z. That means the n plus 1 pi n 2n plus 1, that means the odd number. So odd pi by 2, multiple of the pi by 2, right? But odd, okay, all are the negative positive and belongs to z are 0. मतलब तब cos 0 होता है. Then again, tan theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. इसको हम लोग prove कर चुके थे. Okay, चलो आगे. Sin theta is equal to alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha, where n belongs to z, right? Then after cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. Tan theta is equal to tan alpha, theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. Clear? Understand? Okay, so they are the basic concepts. Okay, in, we already learned in the previous lecture, right? So it is very easy. Now, iska formation. मतलब इसका यूज कैसे करना है और एप्लीकेशन क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों लिखा है कि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन. तो मैंने आपको डेफिनेशन थ्रू बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है, राइट? तो चलो देख लेते. आपको याद होना चाहिए और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पता चल जाएगा. सबसे पहले आपके पास है tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3. ओके तो सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे ये रूट थ्री क्या है? पॉजिटिव. ओके सो विच इज पॉजिटिव सो एक्स लाइज ओके पॉजिटिव है. तो एक्स टेन का पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड ओके ऑल एस टी सी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? ओके चलो तो x लाइज द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सो देयरफॉर आप लिख सकते हो सो tan x इज इक्वल टू tan व्हिच वैल्यू पाई बाय 3, राइट? और tan 4 पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? सो हियर द सो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 और tan 4 pi by 3. तो बच्चे इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो देयरफॉर ओके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर pi by 3 ओके एंड 4 pi by 3. चलो क्लियर. अब नाउ जनरल सॉल्यूशन. फॉर जनरल सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया कि tan x इज इक्वल टू क्या आ गया? tan pi by 3. तो इरा tan x tan theta इज इक्वल टू tan alpha then theta इज इक्वल टू n pi by. तो इरा आपका अल्फा. तो आप क्या लिख सकते हो? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कि n pi आपने लिख दिया प्लस pi by 3 वेयर n बिलोंग्स टू z व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट? तो ये क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया. क्लियर? लेट्स फिनिश. तो आपने जो भी चीज अप्लाई की उसी को आपको एक एक करके फॉलो करते जाना है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अब एक यूनिट ओके चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसीलिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं. ओके नाउ नंबर 2 क्या है आपके पास? sec x इज इक्वल टू 2. तो क्या लिख सकते हो? cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2 ओके व्हिच इज पॉजिटिव हियर. मतलब x व्हिच इज पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. दैट मींस x लाइज इन फर्स्ट
क्योंकि cos कहां पे होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके x लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सीधी बात है, ओके अब देखो दोस्तों, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू फर्स्ट में cos की केस की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई बाय 3, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट सो 2π - π/3, राइट सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू क्या गया cos पाई बाय 3, और यहां पे cos 6 5π/3 क्या गया 5π/3, ओके क्योंकि √3/2 है, इसीलिए sin 1/2 क्या होता है 30, तो cos 60 पता है cos 60 होगा, चलो सो देयरफॉर आप लिख सकते हो, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 3 और 5π/3, चलो क्लियर, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब जनरल सॉल्यूशन बच्चों, सो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3, चलो चेक करो cos x इज इक्वल टू तो क्या n पाई, यहां पे cos तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। चलो क्लियर, कितना आसान है अब, क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूलास पता है, ओके तो थर्ड चैप्टर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली हर एक जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सो cot x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, ओके हियर व्हिच इज नेगेटिव, व्हिच इज नेगेटिव, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, tan x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, सो x लाइक tan नेगेटिव बच्चों, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x लाइक सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट बराबर ऑल एस टी सी, तो सीधी बात है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड में टेन पॉजिटिव टेन पर, तो सेकंड एंड फोर्थ में वो नेगेटिव होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट चलो आगे बढ़ते हैं। अब ए नेगेटिव है भाई, तो हम जानते हैं सो देयरफॉर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन बच्चों पाई माइनस 1/√3 यानी पाई माइनस पाई बाई 6, और टेन क्या लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, so 2π - π/6, right so therefore क्या आ गया, तो क्या 10x is equal to 10, इधर आ गया 5π/6, और इधर आप लिखोगे 10 11π/6, तो ये क्या आ गया principle, yes so principle solutions, okay principle solutions are 5π/6 और 11π/6, बराबर है, and okay दोनों मतलब है उस, क्योंकि आपने देखा था वो 2π में है, हम लोग इसीलिए उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है 2π के अंदर, और जनरल सॉल्यूशन अप टू n बिलोंग्स टू z के अंदर है, तो चलो आगे देखते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन, सो देयरफॉर 10x पहली बार में ले लेंगे 5π/6, राइट ओके तो x इज इक्वल टू देखो ये रहा 10x तो nπ प्लस अल्फा तो nπ प्लस 5π/6 where n belongs to z, understand clear okay, ये तो बहुत आसान हो गया, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक वैसे ही तो cos x क्या है बच्चों, cos x negative, अब जानते हो, so therefore x like
बोलो साइन नेगेटिव आया तो पावर थर्ड एंड फोर्थ ओके तो एक्स लाइज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओके थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट राइट बच्चों कहां पे बच्चों यहां पे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे ओके चलो तो आगे देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीधी बात है तो साइन एक्स क्या जाएगा बताओ साइन 1 बाय 2 मतलब पाई बाय 3 या पाई बाय 6 राइट तो यहां पे क्या लिखोगे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे मैं लिखूंगा साइन थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस पाई बाय 6 और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों सो 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 चलो तो सो देयरफॉर लेस सी दैट आपका फंक्शन बन गया 7 पाई बाय 6 और साइन राइट 11 पाई बाय 6 सो ये क्या हो गया बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया क्या गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7 पाई बाय 6 एंड ओके 11 पाई बाय 6 सो क्लियर नाउ अब क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन तो देखो sin x इज इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6 ओके sin अल्फा तो n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू अल्फा सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू अल्फा राइट इनटू n सॉरी इनटू अल्फा 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन तो क्लियर तो फोर्थ आपका आपने यहां पे खुद ने क्लियर कर दिया ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यानी आपको एक इक्वेशन दी है राइट चलो इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बहुत आसान है किसी की तरह थोड़ी फॉर्मूला आगे की जरूरत पड़ेगी फिफ्थ cos 4x इज इक्वल टू cos 2x यहाँ पे आपके पास आ गया cos 4x minus cos 2x is equal to 0 right okay मैंने साइड में लिख बच्चों c minus c की फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था बोलो c plus c 2 cc होता है ऐसा c minus c minus 2s है so minus 2 sin क्या लिखा था आपने 4x plus 2x by 2 into sin right 4x minus 2x by 2 is equal to 0 इधर 2 माइनस 3 साइड पे तो 0 हो जाएगा चलो इधर क्या बचेगा sin 3x राइट इनटू sin x इज इक्वल टू 0 तो सीधी बात है बच्चों sin 3x इज इक्वल टू 0 तो sin 0 कब होता है सो व्हेन 3x इज इक्वल टू n पाई सो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z राइट और ये वाला सो और क्या है बच्चों sin x इज इक्वल टू 0 तो आप जानते हो वेयर n इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z राइट ये दोनों हमारे जनरल सॉल्यूशंस आ गए राइट बहुत आसान है हम लोग बेसिकली इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं चलो क्लियर कोई डाउट इसी के अंदर नहीं आगे बढ़ते हैं तो फिर ये तो बहुत मतलब इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो एक के बाद एक चलो क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 right यहां से आप हम लोग इसको यूज करेंगे c plus c मतलब बताओ क्या होता है 2cc समझ लिया ना बस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों 2cc तो 2 cos 3x plus x by 2 ओके इनटू cos 3x minus x by 2 minus cos 2x is equal to 0 राइट चलो 2 इनटू क्या आ गया cos हियर 4x चले cos 2x इनटू cos x minus cos 2x is equal to 0 कॉमन तो आपने cos 2x तो कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 2 cos x minus 1 is equal to 0 तो सीधी बात है cos 2x is equal to 0 और क्या हो गया cos x is equal to 1 by 2 चलो बच्चों पहले इसकी बारी cos कब 0 होता है
राइट। तो क्या लिखा था आपने 2n plus 1 pi by 2 बराबर ना, बट x is equal to क्या हो जाएगा, so 2n plus 1 bracket close pi by 4 where n belongs to z, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट जो था तो सॉल्यूशन सो मिल गया है। चलो क्लियर, ए राम बराबर है, cos 0 है ओके, आपको पता चल जाएगा ओके। अब cos x है बच्चों, तो cos x is equal to theta, तो आप लिखो पहले तो cos x is equal to cos 1 by 2 मतलब क्या होता है pi by 3, cos x आता तो x is equal to क्या है बच्चों, तो ये रहा cos ओके 2n pi plus minus pi by 3 where n belongs to z, so clear। तो ये ultimately आपका क्या हो गया, general solution आपको मिल गया right ओके। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऐसे बहुत इजी इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और डिपेंड्स ऑन यू ओके। साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू क्या बच्चों, जीरो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे सीधे रूप में वैल्यू मिल रही है क्योंकि 2x है, तो क्या करेंगे 2 sin x cos x बराबर sin 2x की वैल्यू बच्चों रख दी, तो इधर क्या गया cos x इज इक्वल टू जीरो। अब काम आसान, cos x को कॉमन निकाल दो, यू हैव द 2 sin x plus 1 इज इक्वल टू जीरो, तो दो चीज हमें मिल गई cos x इज इक्वल टू जीरो और इधर लिखोगे sin x is equal to minus 1 by 2, right? तो चलो cos 0 सबसे पहले, when the cos x is equal to 0, तो x is equal to, okay, cos 0, 2n plus 1 pi by 2, right? Where n belongs to z, ये first वाला तो clear हो गया, चलो second, sin कब negative होता है, in third quadrant, तो sin क्या लिखोगे, pi plus pi by 6, right? So sin x is equal to बच्चों क्या आएगा, इधर sin 7 pi by 6 ओके, तो sin x is equal to x, तो x is equal to क्या है, तो के n pi plus minus 1 raise to n, अल्फा कौन है 7 pi by 6 where n belongs to z, got it, चलो understand n belongs to z, आ गया समझ में, कोई डाउट इसी के अंदर नहीं, राइट चलो ठीक है। वैसे ए तो एट वाला क्वेश्चन ध्यान से आप देख सकते हो, चलो जस्ट चेक इट, तो क्वेश्चन नंबर 8 ओके, चेक करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को, चलो अभी तो आपने सिंपल साइन कॉस और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत सारे, आप अलग अलग है उसको सॉल्यूशन में ला सकते हैं इसमें प्रैक्टिस करके ओके, जो है वो प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, x स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या है tan 2x, लिख सकता हूं 1 1 कैंसिल, तो इधर हम लोग डाल देते हैं tan स्क्वायर 2x माइनस की जगह पर tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x इज कॉमन 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x इज इक्वल टू 0 और ओके 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, सो इधर tan कब 0 होता है तो n pi राइट, x is equal to क्या गया n pi by 2 बच्चों, n belongs to z right, ये first part। अब इसमें कुछ क्या करेंगे, तो देखो सीधी बात है बच्चों, tan 2x is equal to कितना गया minus 1, तो पहले तो मैं इधर लिखना पड़ेगा tan 2, tan का है तो tan negative हुआ, तो negative मतलब कौन से first में, तो positive second, तो second okay, तो second में tan बच्चों pi minus pi by 4 हो गया right okay। चलो अब बहुत सीधी बात है, तो मैं 2x is equal to क्या लिख सकता हूँ 3 pi by 4 लिख सकता हूँ बराबर ना, देखो 10 अभी ऐसा है, तो 10 2x is equal to 10 3 pi by 4 बच्चों, तो 10x इधर आपके पास theta is equal to, so 2x is equal to क्या हो जाएगा n pi plus 3 pi by 4, अब x is equal to, so n pi by 2 plus
3 pi by 8 where n belongs to z, right? This is our second मतलब general solutions. Okay. चलो clear? कोई doubt? बोलो. इसके अंदर नहीं ना तो last question solve कर सकते हो homework में. Okay? या सब लो. Okay? तो कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हो, आपके ऊपर depend है. राइट तो चलो एक बार वो भी चेक कर लो. ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं और एक्स्ट्रा वर्क वर्कशीट में है तो आप सॉल्व कर सकते हो. नंबर 9 क्या लिखा है? क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन 3x राइट प्लस साइन 5x तो बहुत आसान है जो ये सब टेक्सुअल इक्वेशन है. ओके सबसे पहले में क्या कर रहा हूँ साइन 5x प्लस साइन एक्स राइट प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये पता है अंदाजा 5 प्लस 1 6 होता है हाफ 3x का कॉमन निकल जाएगा राइट. चलो s प्लस s ओके तो 2sc क्या है 2sc तो 5x प्लस x बाय 2 बराबर ना इनटू cos क्या है 5x माइनस x बाय 2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0 राइट बच्चों ये 3 है नॉट 5 बट ये 3 है. चलो क्लियर. अब क्या बचेगा आपके पास 2 sin 3x राइट इनटू कॉस 4x बाय 2 कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 सीधी बात है साइन 3x कॉमन निकाल दिया 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो सीधी बात है साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सो कॉस 2x इज इक्वल टू पहले तो माइनस 1 बाय 2 कॉस नेगेटिव आ गया. इधर क्या हो जाएगा sin 3x is equal to 0 तो सीधी बात है बच्चों कब 0 होता है तो 3 by 3 x is equal to n pi so x is equal to n pi by 3 where n belongs to z right. तो ये sin वाला आपको मिल गया. अब इसकी बारी बच्चों क्या आएगा इसके अंदर तो cos बच्चों कब नेगेटिव होता है cos in second quadrant right तो first and fourth में पॉजिटिव तो इधर आप लिख सकते हो ना कि cos 2x is equal to negative second pi minus cos की वैल्यू pi by 3 राइट सेकंड क्वाड्रेंट है इसीलिए. ओके तो इधर आप लिखोगे cos 2x is equal to cos 3 minus 1 to 2 pi by 3 so 2x is equal to irana 2n pi plus minus 2 pi by 3 डिवाइड कर दो तो 2 कट हो गया n pi plus ओके only pi by 3 डिवाइड कर दिया ना हमने तो only pi by 3 where n belongs to z. चलो क्लियर आया समझ में तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी तो आपने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दी. अंडरस्टैंड क्लियर कोई डाउट इसके अंदर नहीं तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ओके ताकि ऐसे नए नए इसके बाद भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे सम शॉर्टकट सम सीधी बात है बच्चों जो हम लोग अभी लेक्चर के अंदर समझ नहीं सके ऐसे JEE के केसेस स्पेशल सॉल्व करते हैं वो आपका लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन ओके. लेकिन पहले वर्ड होता है फिर जी आता है समझ गए ओके. टिल देन एंड बाय बाय.